वेलकम टू कुकिंग विद गुरकीरत। आज हम बनाएंगे बेसन और अनियन का चिल्ला, बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए हमारा चिल्ला बनाना हम शुरू करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्याज का चिल्ला बनाने के लिए पहले हमने एक बाउल लिया है, इसमें हम बेसन डालेंगे। ये मैंने एक कटोरी बेसन लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच दही डालेंगे। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़े से चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स हम कम ही डालेंगे, हम ग्रीन चिली भी डालेंगे इसमें। थोड़ा सा ऑरेगानो। अभी इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी इसमें हम पानी डालेंगे। हम इसे अच्छे से फेंटेंगे जब तक कि इसकी गुठलियां ना निकल जाएं। ये देखिए इसकी गुठलियां निकल चुकी हैं। ये एकदम स्मूथ बैटर बन चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे, जैसे कि ये 1 कड़छी डालेंगे हम पानी। अभी इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमें ऐसा बैटर चाहिए। ये देखिए अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। ये हमने एक नॉनस्टिक तवा लिया है, इस पर हम ऑयल नहीं डालेंगे। अगर आप सिंपल तवा ले रहे हैं उस पर आप ऑयल डाल सकते हैं। अभी इसमें हम 2 बैटर डालेंगे, 2 चम्मच। अभी इसमें हम डालेंगे अनियन। थोड़ी सी ग्रीन चिली। इसे हम ऊपर से ढक देंगे 2 मिनट के लिए। अभी 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हम ओपन करते हैं। अभी नीचे से हम ऐसे ही इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा चिल्ला बनके रेडी है। ये देखिए अभी इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे हम बाकी के चिल्ले भी बना लेंगे। ये देखिए हमारा चिल्ला बन के रेडी है। इसे हम खाएंगे केचप के साथ। ऊपर से इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा ऑरेगानो। ऑरेगानो से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और हमारा चिल्ला बनके रेडी है। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है। आप भी बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।